मौज मस्ती चकाचौंध और पैसों की बर्बादी से दूर एमएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर पवन सिंघल और प्रतिभा सिंघल के बेटे मनीष सिंघल ने अपने जन्मदिन को बहुत ही सादगी के साथ जरूरतमंद बच्चों के बीच जाकर मनाया। मनीष सिंघल ने बहुत ही कम उम्र में समझदारी की मिसाल पेश करते हुए द्वारका सेक्टर 8 बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संघ के शिक्षा एवं कौशल विकास केंद्र में खुशी खुशी बच्चों को मिठाई बांटी और पढ़ने के लिए पेन डायरी भी वितरित की। साथ ही 11,000 रुपए की राशि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी दी गई। इस मौके पर बच्चों ने पटका पहनाकर मनीष सिंघल का अभिनंदन किया तो बच्चों ने अपनी तरफ से एक छोटा सा उपहार बर्थडे बॉय और जन्मदाता प्रतिभा सिंघल को दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मनीष सिंघल ने बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए थोड़ी सी भागीदारी इस वातावरण को स्वस्थ बनाने में भी दी। इस बेला पर बर्थडे बॉय ने पौधारोपण कर अशोक और नीम का पेड़ लगाया। पहली बात, दिल्ली में आप जानते हैं कि पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऊपर से अभी दिवाली हुई थी तो और पोल्यूशन बढ़ चुका है। इसलिए मैंने सोचा कि पेड़ लगाना ज़रूरी है अब यहाँ पे, तो इसलिए दोनों जो हमने पौधे लगाए हैं, नीम, एक नीम का पौधा है, दूसरा अशोक का पौधा है, ये दोनों हमने इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ बच्चे रहते हैं तो दोनों एंटीबैक्टीरियल हैं। और दूसरी बात, नीम जो है वो 24 घंटे पूरा ऑक्सीजन देता है तो बच्चों का साफ हवा मिलती रहेगी और उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसलिए मैंने ये सोचा। अपने जन्मदिन मनाने के अंदाज को बदलकर मनीष सिंघल बहुत ही खुश नजर आए। साथ ही प्रतिभा सिंघल के चेहरे पर भी बच्चों के बीच जाकर मनाए गए जन्मदिन ने गजब की चमक छोड़ी। इस खास दिन को जन्मदिन के इस अनोखे अंदाज ने और भी खास बना दिया। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मनीष सिंघल। कैमरा पर्सन जिशान के साथ नेशन लाइव के लिए चेतना चौधरी की रिपोर्ट।